मुद्रा तुम? काहे बे? तुमको नहीं, उस हैंडसम को। तुम अपना काम कर चल। ओए हैंडसम, क्या हुआ? टूट गया मोबाइल। रिश्ता मोबाइल से? गर्लफ्रेंड से। मोबाइल की वजह से? अरे क्या हर बात अपने मोबाइल में लगा रखा है? आराम से भैया, आराम से। मोबाइल घुसा रहे हैं। अरे तुम भी तो मोबाइल में घुसे पड़े हो ना। अरे हाँ हेलो, यह बिल्लू का बिल्लू निवास है, यहाँ ऊंची आवाज नहीं चलेगी, समझा ना, वरना। अरे भैया चलो चलो। ए सुनो बोल। तुमको नहीं रही। ए हैंडसम इधर इधर इधर। क्या क्यों टूटा? क्या? अरे गर्लफ्रेंड से रिश्ता? भरोसा नहीं है मोबाइल पर? फिर मोबाइल? अरे तुम फिर मोबाइल में घुस गए यार। मुझ पर भरोसा नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड को। उसको लगता है कि मैं भी झूठ बोल रहा हूँ कि अंतरा से मेरे अच्छे दोस्त है और कुछ नहीं। अरे तो ऐसी लड़की ते रिश्तों करके करोगे भी कहा जाकू, तुम पर भरोसा ना है। ऐसे बर्बाद सो मोहड़ो लेकर के घूम रहे हो, छोड़ दो भाई। आप नहीं समझेंगे सर, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? क्यों ना करी भैया, करिए, बिल्कुल करिए, पर कभी मिली नहीं। बेटा बिल्लू टूटे हुए हाथ की ताबड़ तोड़ पड़ गई ना तो ताटक टुइया है जाए, वो सही बता रहा हूँ मैं। चुप रहेगा नेक। देखो जख्मी आशिक। अरे दिल टूटना किसे कहते, मुझसे पूछो। तेने मोहब्बत करी है? छप्पर फाड़ के। ओ फिर तो पानी अंदर घुस जाता होगा। अबे मैं घुस जाता था, हर रोज छप्पर फाड़ के मिलने जाता था। किसी रोज उसने दूसरे से शादी कर ली। कमाल है, समझदार निकली। मुझे छोड़ दिया। उसी की याद में मैंने एक कविता लिखी थी, सुनाओ ना। तो सुनिए। कभी मेरे दिल से खेला, कभी मेरे जान से खेला, कभी एहसास से खेला, कभी जज्बात से खेला। क्या बात है, बन रो बहुत बढ़िया। कभी मेरे दिल से खेला, कभी मेरे जान से खेला, कभी एहसास से खेला, कभी मेरे जज्बात से खेला। बहुत अच्छे। किसी रोज दिल से आवाज निकली, जालिम। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। चलो यार, चल यार तू बैठ अंदर। और मैं क्या करती मैम, मेरे अपने पापा को ही मुझ पर भरोसा नहीं, मैं जीकर क्या करूंगी? मैं उनकी जिल्लत के कारण नहीं बनना चाहती, मुझे नहीं जीना है। एकदम चौकस आइडिया है तुम्हारा, तुम मरी जाओ। अरे क्या आत्महत्या ब्यूरो खोल रखा है क्या इन्होंने? नहीं, और क्या करोगी जिंदगी में जीकर? क्या तुम्हारे पिताजी जैसे ये दकियानुसी सोच और हमारे थाने जैसी डरी हुई पुलिस रहती है? ना तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं, ना ये पुलिस तुम्हारे लिए कुछ कर सकती है। बस खड़े होकर तमाशा देख सकती है, कुछ नहीं कर सकते, हम किसी काम के ही नहीं है। माइंड योर लैंग्वेज करिश्मा सिंह। आप ये क्या बोले जा रही है? जोश में आकर भूल जाती है कि आप एक ऑफिसर है और किससे बात कर रही है। हम पुलिस थाना चला रहे, कोई खच्चर नहीं है कि जिसके मन में जो आए वो बोलता रहे। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तौर तरीके होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज सुनी है आपने? प्रोटोकॉल? हम प्रोटोकॉल फॉलो करते रह जाएंगे मैडम सर, और वहाँ अंगद जैसे लोगों की वजह से ना ये अंतरा और पता नहीं अंतरा जैसे कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं या फिर पूरा जिंदगी डर डर के जीते। हमें नहीं करना ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो जिसकी वजह से ये अंगद जैसे लोग कानून को च्युइंगम बनाकर उसका बबल बनाकर हवा में उड़ा देते हैं। बहुत अच्छे से आता है हमें ये टेढ़े घोड़े होते हैं ना, इनको सीधा करना। मैडम सर बहुत हो गया आपके जज्बात की बरसात, अब हम करेंगे अपने तरीके की बात।
रुक जाइए करिश्मा सिंह, अंगद आचार्य किसी इंसान का नाम नहीं है, एक अंधी आस्था का नाम है, और ये अंधी आस्था जब भीड़ का रूप ले लेती है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। अरे ये अंगद आचार्य जैसे लोग ही तो लोगों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी राजनीति खेलते। आप समझती क्यों नहीं है कि इस एक आदमी को खत्म करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें इस सोच को खत्म करना होगा, और ये सोच खत्म होगी तो अंगद आचार्य भी अपने आप खत्म हो जाएगा। मैडम सर ये हम न्याय होगा करिश्मा सिंह, मुकेश और अंतरा को उनकी नॉर्मल लाइफ वापस मिलेगी, वो भी पूरे सम्मान के साथ, लेकिन उससे पहले हमें बदलाव लाना होगा लोगों में, उनकी सोच में, तभी होगी हमारी सही मायने में जीत और तभी होगा ये केस सॉल्व। और मैडम सर अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हम इस्तीफा दे देंगे। यही तो चाहती है ना, फिर आपके जो मन में आए करिए, लेकिन तब तक के लिए आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे डिपार्टमेंट की रेपुटेशन में कोई भी हर्फ आए। हर्फ उर्दू है, पता है मतलब क्या होता है? हमको भी नहीं मालूम। कोई प्रॉब्लम है पुष्पा जी? हाँ नहीं मैडम सर, बस हम यही सोच रहे थे कि आप जो कह रही हैं ये होगा कैसे? होगा, जरूर होगा। जुर्म कागज की वो नाव है जो बहुत देर तक बहुत दूर तक नहीं जाती, कभी ना कभी डूबेगी, और साथ डूबेगा अंगद आचार्य। कुछ सोचा है हमने, देखते हैं कितना काम आता है। क्या अंतरा को मरने का नाटक करना पड़ेगा? पर क्यों मैडम सर? किसी का जमीर अगर जगाना है तो अंतरा को मरने का नाटक तो करना ही होगा, जरूरी है। मैडम सर हमारे कहने का मतलब है इस नालायक को तो अपनी जान की पड़ी नहीं है, मगर इसके पापा इसकी मौत की खबर सुनेंगे तो उन पर क्या बीतेगी? रिलैक्स पुष्पा जी, वैसे भी हम ये नाटक बस थोड़ी सी देर के लिए ही करने वाले हैं, और जैसे ही हमारा काम हो जाएगा हम उन्हें सब कुछ सच सच बता देंगे, है ना? देखिए अगर आप लोगों के पास इससे बेटर प्लान है तो प्लीज बताइए, वरना हम जो कर रहे हैं उस पर भरोसा कीजिए और हमारा साथ दीजिए। हाँ हाँ हम भरोसा करते हैं आप पे, और हम हैं आपके साथ। संतोष आपके साथ हूँ मैडम सर। चीता आपके साथ है मैडम सर। मैडम सर हमारा भी हाथ समझिए, आई एम ऑन बोर्ड। एनी प्रॉब्लम? ओए बाहर कैसे आ गए बे? अरे डर क्यों रहे हो? मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, ये तो मेरा ही घर है, रिलैक्स। मैंने सुना है आपका प्लान क्या है, क्या करना है, क्या करने जा रहे हो, इसका प्रॉब्लम भी मैं जानता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ इसका प्रॉब्लम। मैं इसको एक्टिंग सिखाऊंगा, किसी के मरने पर कैसे रोते हैं मैं बताऊंगा। देख मुझे फॉलो करना, बिल्कुल मेरी तरह एक्टिंग करना। देखो ये ऐसी अंतरा की लाश है, देखो मेरे तरफ, और ये लाश देख के अंतरा है ये कहा तो बे? लाश को देख के शौक ये शौक है तो ऐसा लग रहा जैसे कोई ने पीछे तप तपाते हुए सरिया लगा दिए हो। अबे ऐसा लग रहा जैसे रामलीला के रावण के सिंहासन के नीचे कोई ने कीले लगा दी हो। रावड़ा सो मेथड एक्टिंग कहते इसको, समझे? ठीक है तुम्हारे हिसाब से करते, चालू एक्टिंग, तुम लाश बन जाओ, चल मर 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 मर। अबे कमीज में ओके मरिए सर मरिए, मरने की एक्टिंग कीजिए सर का, मरने की एक्टिंग कीजिए सर। चलो लाश बन जाओ, मेरी एक्टिंग आ रही है, लाश बन जाओ। हाँ बन रहा हूँ, रुक जा। देखो ये अंतरा की लाश और ये मैं, मतलब तुम, समझे? मतलब तुम जो हो वो तुम हो, ये जो है वो ये है, लेकिन तुम अरे जो हो समझ गया हो, ले जाओ अंतरा अंतरा।
अंतरा तू मुझे छोड़ के कैसे चली गई अंतरा? अंतरा मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा अंतरा? अंतरा हमने साथ साथ घर बसाने को सारी हड्डियां खनखना दई हमारी अंदर ही अंदर तेने पुलिस वाले से भड़ास निकाल रहा है, भड़ास निकाल रहा है, भड़ास निकाल रहा मैं। अरे वो एक्टिंग ही क्या जो फील ना हो, वो एक्टिंग ही क्या जो फील ना हो। अब मैं करवाऊंगा तो फील एक्टिंग, मैं दिखाऊंगा तो कि एक्टिंग कैसे की जावे, मेथड एक्टिंग कैसे की जावे। अब तू बनेगा बेटा लाश। तुम मुझे सिखाओगे एक्टिंग क्या है? मुझे? मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक्टिंग का है। चल बन जा लाश, लाश बन। अभी देखो तुम जो हो वो मैं हूँ और ये जो है वो अंतरा है, लेकिन अभी जो वो समझ गया। चलो एक्टिंग चालू करो। अब तो ये करनी है बेटा मेथड एक्टिंग, आवाज तो बिल्कुल ना निकालनी और सांस तो भूल कर भी नहीं लेनी। आई बात समझ में? हाँ समझ गया, चालू एक्टिंग। एक मिनट लाइट लेता हूँ। बहुत बढ़िया, अब हम करके दिखा मैं। अलपचिनो की औलाद, अंतरा दिमाग को सही करके रखो ये आदमी ने। सबसे पहले सास रोकना होगा। क्यों? सास को क्यों रोकना होगा? अरे बहुएं सारी फसाद की जड़ होती है, बहू को रोको। अरे ये पुष्पा जी क्या डायरेक्टली सास बनी क्या? सास पुष्पा जी, ब्रेथ सास, सास नहीं। हाँ हाँ समझ गए समझ गए, बोलो आगे बोलो। देखो बहुत इजी है, तुम पहले लेट जाओ, आंखें बंद करो, सांस रोको, काम खत्म। एग्जैक्टली कितनी देर के लिए सांस को रोकना होगा? आधा पौना घंटा? आधा पौना घंटा? इतनी देर तक सांस को कैसे रोकूं? बताती हूँ मैं। पकड़ना यार। हाँ एक हाथ तो सही है ना। देखो यहाँ पे लेटो, आराम से आंखें बंद करो और सांस रोको। अरे ले लो सांस ले लो। थोड़ा मुश्किल तो है मरना। क्या संतु तुम भी इतनी सी उम्र में इतनी कमजोर हो तुम? हम दिखाते हैं सांस कैसे रोकते। देखो हो गया आप सबका। हो गया पुष्पा जी। पुष्पा जी रिलैक्स। अंतरा अब जो भी करना है आप ही को करना है, ठीक है? डोंट वरी, यू विल बी ऑल राइट। पुष्पा जी आप इनके पिताजी को फोन करना बिल्कुल ना भूलें। इनके मरने की झूठी खबर आप ही को उन्हें देनी होगी। अभी तक ट्रांसफर ऑर्डर आए नहीं है हमारे, तो आप ही हमारी सीनियर है और आपका ऑर्डर फॉलो करना हमारी ड्यूटी है। वैसे हमें लगता नहीं है ये नौटंकी आपका काम करेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सब नाटक है और आप इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। तजुर्बा कहता है हमारा कि दुआ और ड्यूटी दोनों दिल से की जाए तो अच्छा है,
वरना उसके कोई मायने नहीं होते। प्लान फेल हो गया ना तो पूरे थाने का फ्यूज उड़ जाएगा। और पुष्पा जी ध्यान से, सभी का दाना पानी उठने वाला है यहाँ से। हाँ हो गया सब, इंतजाम हो गया। अरे वाह बढ़िया है। देखो अभी हम तुम्हारे पापा को फोन लगा रहे हैं, ठीक है ना, तुम्हारे मरने की बैड न्यूज देते हैं। मेरी अरे करना तो पड़ेगा ना, लेकिन है ना। एक मिनट ओहो ये मलाइका का फोन। हाँ मलाइका एक मिनट। हाँ मलाइका, हाँ तो बना लो ना लौकी की सब्जी, क्या है उसमें। अरे लौकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, हड्डियाँ एकदम मजबूत होती है उससे। हाँ बना लो। क्या करिश्मा मैडम ने भी यही कहा, लौकी की सब्जी? नहीं, लौकी की सब्जी मत बनाना, अरे बिल्कुल हानिकारक होती है सेहत के लिए। हाँ जान लेनी है क्या लौकी की सब्जी बना के? नहीं, तुम ऐसा करो भिंडी बनाओ, भिंडी हमको बहुत पसंद है, ठीक है। बना लो जो। हाँ कैसी होती है ना सास। हाँ सबका ख्याल रखने वाली। हाँ तुम्हारे पापा को फोन करना है। The number you have dialed is currently switched off. Switch off आ रहा है? तब से तो मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ मैम, पापा तो अभी तक जगे भी नहीं होंगे। मैं जानती हूँ उनका रूटीन, अभी आधे घंटे बाद वो जगेंगे, फिर फोन चार्जिंग पे लगाएंगे, फिर जाके उनका फोन ऑन होगा। मतलब आधा घंटा है ना हमारे पास। कोई नहीं चलो बाहर जाके कुछ खा के आते हैं, तुम लोग भी चलो, भूख लगी होगी ना। तुम आ रही हो? हाँ। नहीं, किसी को तो यहाँ जागते रहना होगा ना, ये देखो अलसी, हम तुम्हारे लिए कुछ बांध के लेकर आते हैं, ठीक है? टाइम से आ जाइए। हाँ आ जाएंगे। अरे संतू चलो। मर गए, अंगद आचार्य कहां से आ गया? अंतरा तो थाने के बाहर है, मरने का नाटक शुरू होने से पहले ही चौपट हो जाएगा। चीती उठ रही है, जल्दी उठना चीती उठो, पीछे देख। मुकेश और अंतरा कहाँ है? बाहर पुष्पा जी के साथ बैठे बंगलों की दुकान पर, अब क्या करें ये बता। अब तो बस एक ही काम है सके। क्या जल्दी बोलना। वही जो पुष्पा जी करो करती। क्या? अटेंशन है जाओ। हाँ। गहरी सांसें लो। हाँ है ना भरनी, सांसें लो और भागो। अरे कहाँ चले गए समाज के ठेकेदार सारे के सारे, लड़की भगा दी खुद भी भाग गए। क्या हो रहा है? वाकई आज साबित कर दिया आपने कि पुलिस की दोस्ती भी अच्छी नहीं और दुश्मनी भी अच्छी नहीं, और यह भी साबित कर दिया आपने कि पुलिस की वर्दी पहनते ही इंसान अपने आप को कानून का ठेकेदार समझने लगता है। ये जो हरकत आपने की है ना, इनकी बेटी को उस लड़के के साथ भगाकर अच्छा नहीं किया। हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ क्योंकि हम तो सही साबित हो गए कि देखो उस लड़की के उस लड़के के साथ अनैतिक संबंध थे। क्या बकवास है ये? विक्रम जी वो जरा बकवास दिखाइए जो आपकी जेब में है। ये लेटर अंतरा कमेंस मिली है, इसमें लिखा है वो हमेशा के लिए जा रही है। और वो गई और आपने इस एक हरकत से पूरे हमारे समाज का, हमारी संस्कृति का, हमारी धारणाओं का सबका मटिया मेट कर दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा था कि मैंने भी थोड़ा ठेका लिया है इस समाज का, अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा।
एक लड़की को गैर बिरादरी वाले लड़के के साथ आपने भगाया, और जिस दिन यह साबित होगा उस दिन आप तो गई, आप तो गई, साथ में आपका ये पुलिस स्टेशन भी गया, और अब होगा एक ऐसा धर्म युद्ध, इस पूरे शहर में तांडव होगा, हर गली हर कूचे में तांडव होगा। आज के बाद कोई युवा ऐसी दुस्साहस नहीं करेगा आने वाली पीढ़ियों पीढ़ियों तक, और उस धर्म युद्ध के हवन कुंड में आप होंगी स्वाहा। अभी लौट के आता हूं। क्या करे चीते? कछु सोचो ना संतोष जी। क्या सोचू मैं? आप ही को कछु सोचना पड़ेगा, आप ही को अंतरा बनना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं गड़बड़ कर दूंगी। संतोष जी आप नहीं बनेंगी अंतरा तो कौन बनेगा? आप ही को बनना पड़ेगा, समझो बात को। बनेगा ना? कौन? नहीं बिल्कुल नहीं, आप ऐसे मत देखो हमें, हम नहीं बनने वाले, कोई अंतरा संतरा बता दे रहे हम। ये आपको थाने से किसी का फोन आया होगा, पुष्पा जी का, उन्होंने कुछ बताया होगा, आपको तो पता होना चाहिए। मैडम मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, जैसे मुझे ये लेटर मिला मैं आपके पास चला आया। आपकी बेटी कहाँ है? मुझे क्या पता है, आप बताइए मुझे। आपकी बेटी तो? हाँ हाँ हाँ, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी की बेटी जो है, कुछ तो बताइए कहाँ है मेरी बेटी? क्या क्या कह रहे थे हम? ये कि मेरी बेटी कहाँ है? हाँ बेटी, आपकी बेटी, आपकी बेटी यहाँ है। ये क्या है? ये है आपकी बेटी अंतरा, जो अब नहीं रही। ये नहीं हो सकता, मेरी बेटी अंतरा मुझे छोड़ कर जा सकती? अंतरा तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। आई 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 आई, इसको भी अंतरा की याद आई। कुछ ही घंटों में दोनों में इतना बहनों जैसा प्यार हो गया, सदमे में बोल रही है। आई आई है ना? हाँ नहीं नहीं नहीं, आप चेहरा नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि पकड़े जाएंगे ना। इसका मतलब है कि जाने वाले को कौन पकड़ सकता है, आप बताइए हमको। जीवन और मृत्यु की पकड़म पकड़ाई में हमेशा जीत तो मृत्यु की ही होती है, मृत्यु की ही होती है। हट जाइए आप, बाप और बेटी के बीच बताइए। हट जाए। जुकाम, जय श्री राम। आप हट जाइए, प्लीज हट जाइए सर, मुझे अपनी बेटी का चेहरा देखना है। सर नहीं हट सकते, माफ कीजिएगा। मगर आप अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि ये तो आपके लिए तभी मर गई थी जब ये मुकेश के साथ पार्क गई थी। यही कहा था ना आपने, तो फिर अब चेहरा देख के क्या कीजिएगा?
गलती क्या थी इसकी कि ये जिसे अपने भाई से भी बढ़कर मानती है उसके साथ पाक गई थी, वो भी पढ़ने के लिए, ये गलती थी इसकी। अम्मा सबको छोड़िए, उसके खुद के पिताजी ने उस पर विश्वास नहीं किया और आ गए इन समाज की रक्षकों की बातों में और बलि चढ़ा दी अपनी बेटी की बिरादरी और समाज के नाम पर। किसी का कुछ नहीं गया है, अगर गई है ना तो आपकी ये बेटी गई है जो अब कभी वापस नहीं आएगी। एक बार आपने अपनी इस बेटी की बात सुन ली होती, एक बार आपकी तरह सारे माँ बाप अपने बच्चों की बात सुन लेना तो मजाल है किसी भी गुंडे की जो आपके बच्चों को टच भी कर देता। आज आपकी बेटी गई है, कल किसी और की बेटी जाएगी और ये चलता रहेगा, ये तब तक चलेगा जब तक आपकी ये दकियानूसी सोच से आप बाहर नहीं निकलेंगे। आंखें खोलिए और देखिए ये संस्कृति के रक्षकों का असली चेहरा। आपकी पिछड़ी सोच का फायदा उठा के ये डर का बाजार चला रहे हैं। बाहर निकलिए इस सोच से। काश वक्त रहते मैं ये बात समझ सकता और अपने बच्ची का साथ दे सकता। अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं मैं। अब भी ये कर सकते हैं। अंतरा, जिंदा अंतरा, लाश अंतरा, ये कैसे हो गया? अंतरात्मा ही जाने क्या चल रहा है ये। तो ये सब नाटक था? मुझे माफ कर देना। सॉरी बेटा, अब कुछ भी हो जाएगा ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुकेश बेटा, मैंने तुम्हें भी गलत समझा, मुझे माफ कर देना। अंतरा मेरे लिए सगी बहन से ही बढ़कर है अंकल। माफ कीजिए, लेकिन आपको आपकी बेटी की अहमियत समझाने का हमारे पास यही एक तरीका था, सो हमने किया और खुशी इस बात की है कि आपको एहसास हो गया। सॉरी बेटा, वेरी वेरी सॉरी। इट्स ओके पापा। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है विक्रम? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये सब क्या हो रहा है? कि मेरी इजाजत के बगैर ये लड़की कहां से आई? तुम तो बीच में बोलो ही मत। तुम्हें ना बाइक के पीछे बांधकर घसीटते हुए ऐसे कुत्तों की तरह मारेंगे ना कि तुम्हारे आने वाली सात पुश्तें गंजी पैदा होगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जो मैं नहीं कर सका आपने कर दिखाया। और अंगद जी, बहुत इंटरफेरेंस किया आपने हम बाप बेटी की जिंदगी में। अब मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहा हूं। अपनी उल्टी गिनती शुरू कीजिए आप। चलो बेटी आ जाओ। अब देख मैं तेरा क्या हशर करता हूं। बस बहुत हुआ, दो बार मैंने तुझे माफ किया, अब तीसरी बार नहीं करूंगा। अब देख मैं तेरा वो हशर करता हूं कि यहां पीढ़ियों तक लोग इसे याद रखेंगे और तेरी उल्टी गिनती शुरू होती है अब। राम राम, राम राम।
जय हिंद। आपने बुलाया मैडम सर? जी, आपका शुक्रिया अदा करना था। बिना कुछ किए भी आपने इस केस में हमारी बहुत मदद की है, उसके लिए थैंक यू। वैसे एक बात तो आपको माननी पड़ेगी करिश्मा सिंह, कि इस बार आपने भी जज्बात से काम लिया, वरना यही काम आप अंगद आचार्य की हड्डियां तोड़कर भी कर सकती थी। वैसे इस बार हम भी कह सकते हैं कि आपको हमारे तरीकों ने ज्यादा परेशान नहीं किया। और रही बात हड्डी तोड़ने की, तो वो तो हम तोड़ते रहेंगे, क्योंकि अंगद जो है ना, कुत्ते का दुम है जो सीधा नहीं होगा, फिर कोई खुराफात करेगा वो, इसलिए जाने से पहले उसका पूरा हड्डी मसाज करके जाएंगे हम। मैडम सर, वो हमारे ट्रांसफर का क्या हुआ? आप अभी जाना चाहती हैं? हमें लगा आपने शायद ख्याल बदल दिया। बदल देते अगर आपका ट्रांसफर हो जाता तो, क्योंकि हम दोनों का एक थाने में काम करना असंभव है। हे भगवान, इन दोनों की गुत्थी कब सुलगेगी? सुलझेगी। जय मैडम सर, हेडक्वार्टर से आपके लिए अर्जेंट लेटर आया है। हमारे लिए? क्या हुआ मैडम सर, ऐसा क्या लिखा है इस लेटर में? सस्पेंशन ऑर्डर है। किसका? हमारा।